नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 3 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर और ये हमारे 9th नंबर का सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई सजेशन वगैरह हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो और पॉज करके अटेम्प्ट किया करो। आप क्या करो एक पेपर साथ ले लो, लिख लिया करो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर 25 तक, उनको काउंट किया करो, देखो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। उनको इवेल्युएट करके लिख दिया करो, राइट जो हो रहे हैं उसको आर बनाकर, जो रॉन्ग हुए हैं उसको बनाकर, ठीक है। या फिर टोटल मार्क्स लिखना चाहते हो उस तरीके से लिख दिया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपको तरीका भी पता लगेगा कुछ आपसे अलग है कि नहीं है इस तरीके से, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा दो स्टेशन T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है और दूसरी T2 से इतनी की चाल से 10 AM पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर इतनी की चाल से चलना शुरू करती है। यानी कि पहली वाली 45 की चाल से चल रही है, दूसरी वाली चल रही है 60 की चाल से। T1 और T2 को भूल जाओ, नहीं तो कन्फ्यूजन में हो जाओगे, बस इतना लिख लो ये। अब एक चीज बताओ, ये 45 से चली 8 बजे चली और ये 10 बजे चली है कितनी की चाल से 60, यानी कि अगर हम दोनों को सेम टाइम पे चलाएंगे तभी तो हमें पता लगेगा हाँ ये इतने समय में मिलेंगे। तो भैया ये 2 घंटे बाद चली तो 2 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगी, 90, तो 90 कवर कर लिया, बचा कितना 210। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, स्पीडें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 5, 6, 4, 10 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। तो 15, 7, 105, 15 एकम 15, 15 चौकू 60 हो गया, 7, 2, 14, यानी कि 2 घंटे बाद जब मिलेंगी, लेकिन कब, 10 बजे के बाद, क्योंकि ये भी 10 बजे के बाद अब चल रही है ये भी, तो 10, 2, 12 आंसर। अगला सवाल, एक गत्ते के डिब्बे की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी जिनमें इतने आयतन वाले घनों का पैक किया जा सके। अब देखो आपको ये तो पता ही लग गया कि वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा इनटू मेन, तो डायरेक्ट इसमें भाग करते चलो, 6 से भाग करेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 से किया तो 3 आ गया, कहीं 3 लिखा है, बस ज्यादा से ज्यादा 3 के साथ 0 लिखे होते, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो देखो एक बॉक्स का इतना आयतन था, इसमें एन डिब्बे आ सकते, एन डिब्बे रखने पड़ेंगे, कितने आयतन में, इतने में, बस ये 0 से 0 चला गया, और 12 छंग 72 कर लो तब भी आ जाएगा, नहीं तो ये तो क्यूब स्क्वायर पता है ना, बस खत्म हो गया था। अगला सवाल, एक बस चालक इतने किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करनी है, यदि वह अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे में औसतन इतने की चाल से चलता है तो उसे आखिरी अंतिम घंटे में किस चाल से यात्रा करनी होगी। देखो इसको ओरल करना, कर तो सभी लेंगे लेकिन ओरल करो, 7×21 210 किलोमीटर हो गया, 240 से 210 चल चुका है, बचा कितना 30 किलोमीटर। अब 30 बचा, टाइम कितना बचा भाई, 4 में से 3 चल चुका एक, तो 30/1 कर देंगे, आंसर 30 नहीं आ गया, कर तो सभी लेंगे, बस यही है। आप प्रैक्टिस ऐसे करो, सरल सवालों को बहुत जल्दी करना है, बस टफ वाले तो देखो आप हर शिफ्ट में देख लो 2 सवाल अच्छे मिल रहे होंगे, उनमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, टाइम सेव होता है इजी सवालों से। अब ये देखो सवाल भाई, कह रहा था ट्रायंगल PQR में S और T क्रमशः PQ और PR पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि ST पैरेलल है QR के और ST PQR को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है PS और QS का अनुपात। इस प्रॉपर्टी पर पिछली शिफ्ट में 3 से 4 सवाल थे, अब समझ लो सवाल खत्म नहीं हो रहे, अभी भी आपको नया टाइप का मिल रहा है इसमें, ये हो गया हमारे पास। अब ये इसके पैरेलल बोल दिया ST और ये हो गया QR और बोल दिया अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा था। आपको पता है ट्रेंगल PST और PQR सिमिलर होते हैं, यानी कि अगर हम एरिया की बात करें तो अगर ST अपॉन में QR लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, A1 अपॉन में A2 हो गया। कहने का मतलब है अगर हम पूरे के एरिया की बात करें, पूरे का एरिया 2 होगा भाई, ये क्या हो गया, पूरे का एरिया हो गया, और अगर इतने का एरिया लिखें वो तो हमें 1 पता था भाई, समझ गए ना, 2 भागों में बराबर बांट रहा था, 2 कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो ST अपॉन में QR बराबर में क्या हो गया, 1/√, दोनों तरफ रूट ले लिया। अब सवाल बहुत आसान हो गया, बस देखो ये वाली भुजा हमारे पास 1 निकली तो ये भुजा √2 निकली, यानी कि इनमें रेशियो ये है तो इन पूरी भुजा में रेशियो क्या होगा, यही तो होगा। PS का मान हमें निकालना था QS के साथ, यानी कि अगर QS लिखेंगे तो √2 − 1 हो जाएगा, आंसर आ तो चुका है, PS अपॉन में QS बराबर लिखेंगे 1/√2 − 1। अगला सवाल,
अब ये सवाल बहुत आसान है, कभी भी आपको यहाँ पर नंबर दिख जाए डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करो। 45 रखते हैं, 1 प्लस का 1 हो गया, इधर रूट टू माइनस का 1 अपॉन में रूट टू हो गया, इधर करेंगे 1 अपॉन रूट टू माइनस का रूट टू हो गया, इधर तो हो गया हमारे पास 2 हो गया, इधर करेंगे 2 से 1 चला गया तो 1 बचा 1 बटे में रूट टू, इधर माइनस का 1 बटे में रूट टू हो गया तो रूट टू से रूट टू 2 का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, माइनस का 1 आंसर। अगला सवाल करा, ए और बी इतने इतने त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं, सी डी वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यदि ए बी बराबर 30 है तो सी डी की लंबाई। अब देखो इसमें आपको फार्मूला पता ना सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का, आपको कोई पता नहीं, जैसे मान लो चाहे इस तरीके से बने तब भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसको बोलेंगे, ऐसे बने तब भी मिले, फार्मूला चेंज नहीं होगा, यानी कि हमें सी डी निकालना, अंडर रूट में क्या होता है डी स्क्वायर प्लस में आर वन माइनस का आर टू का होल स्क्वायर हो गया, बस खत्म। यानी कि डी का मान हमें दिया गया था 30 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 32 और 8 का डिफरेंस यानी कि 24 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 900 प्लस में 24, 24 से 576 हो गया। अब देखो इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला चाहिए, चाहे इस तरीके से बनाओ ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, चाहे ऐसे बना लो तब भी कोई मतलब ही नहीं सवाल में बचा भाई, फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, नहीं पता है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, वहां से भी आ जाता है, अभी मैं बता दूंगा एक बार कैसे हो जाता है। देखो ये दिया गया था 30 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आर वन माइनस का आर टू, फार्मूला होता है सी डी बराबर में डी स्क्वायर माइनस में आर वन माइनस का आर टू का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट में, तो यहाँ पर करेंगे 32 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 8 4 12 यानी कि 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 30 20 50 54 हो गया, 30 से 20 गया तो 10 बचा, 10 से 4 गया तो 6 बच गया, तो इधर 6 ने में 54 गुड़े में 6 हो गया यानी कि 6 3 18 हमारा आंसर। अब देखो होता क्या है, जैसे ये चित्र बना है ठीक है, यहाँ पर देखना अगर हम रेडियस की बात करें एक एक छोटा रहा होगा एक बड़ा रहा होगा इस तरीके से, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये यहाँ पर रेडियस एक रही होगी, ये इधर रही होगी, ये इनके बीच की दूरी दी गई, ये जो ऊपर टेंजेंट है ना इसको उठाकर यहाँ पर ले आओ, यानी कि ये आर वन मान लो, ये आर टू मान लो, ये आर वन मान लो, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास R1 माइनस का R2 हो जाएगा। अब ये छोटा सा जो ट्रेंगल है ये हो गया R1 माइनस का R2 और ये हमें निकालना है और इसका मान हमें ए बी मान लेंगे, तो ये आपको बेसिक भी पता है ना, अगर फार्मूला भूल गए तो आप इससे भी कर सकते हो ठीक है। अगला सवाल करा, 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य अंकों के फेर बदल कर दिए जाए तो संख्या हमेशा डिवाइड होगी, आसान है भाई 9 की डिविजिबिलिटी इसमें आ रही ना, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, अंकों का सम होता है। अब ये ए बी सी लिखा है, अब चाहे आप सम कुछ भी निकाल लो, यहाँ पर ई आया मान लो सम, तो चाहे सी प्लस का बी प्लस का ए कर लो फिर भी ई आएगा सम, कुछ भी कर लो यानी कि वो 9 से डिवाइड होना ही होना। अगला सवाल, रेशियो दिया गया था, पूछा सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो 3/4 और 5:8, 1:2, 6:9, इसमें ये देखो 9, 2, 8, 4 इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो क्या, बात खत्म हो जाएगी, तो 72 हो रहा एलसीएम, तो देखो 72 हो रहा, सब में नीचे 72 बना दो, 18 × 4 = 72, यहाँ पर 18 × 3 = कितना हो गया 54, 8 × 72 तो 9 × 5 = 45 हो गया, इधर करेंगे 36 × 2 = 72 और ये 1 था यानी कि 36 हो गया, 9 × 8 = 72, 8 × 6 = 48 आ गया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया 54, आंसर लगा दो। अगर कभी बड़े नंबर मिल जाए तो आपको कैसे करना है, 3/4, 5/8 और 1/2 और 6/9, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें किया 8 × 3 = 24, 5 × 6 = 20, ठीक है कौन सा बड़ा आया ये, तो अभी यही वाला फर्स्ट रेशियो बड़ा है, दूसरे से कंपेयर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर भी कर रहे, तो 3 × 2 = 6 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया, अभी भी यही बड़ा आया, फिर लास्ट वाले से इसके साथ ऐसे ही कर लेते 3/4, 6/9, 9 × 3 = 27, 6 × 4 = 24, अभी भी यही बड़ा है, तो आंसर कौन सा हो गया बस ठीक है। अगला सवाल, सरल रेखा इतने इतने अच्छों के बीच अंतः खंडित भाग का लंबाई बताना। देखो इस टाइप का सवाल पिछली शिफ्ट में कर चुके थे, तो 5x/60 प्लस में 12y/60 बराबर में हो जाता है 1, तो 5 × 12 = 60, यहाँ पर x/12 और 12×5 = 60, ये तो करके देख लिया लिख के, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आपको लिख के नहीं देखना, ये हमसे ये पूछा गया था, यहाँ पर 95 × 5 = 12 = 13 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, सभी शहरों में सभी प्रकार के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट का यूज करने वाले की कुल संख्या में से पुणे में सभी प्रकार के परिवहनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज क्या है। कह रहा था पुणे में परिवहन का उपयोग करने वाले सभी प्रकार के, तो भैया पुणे में देखो 4, 3, 7, 9 कर रहे हैं, बस इसका हमें रेशियो निकालना है। अब देखो परसेंटेज हमको दिया तो गया है, अब जरूरी नहीं कि ये 9 का मल्टीपल हो सकता है, उसने राउंड ऑफ करके लिख दिया हो,
समझ रहे हो ना बात को, तो इसलिए एक बार पूरा कर लेना है। तो इसमें तो 9 हो गया, यहाँ पर देखो ये समझ में नहीं आ रहा तो जोड़ लो, 4 2 6 7 2 9 यहाँ पर भी हो गया, 3 2 5 5 3 8 8.5 इधर हो गया, इधर 5 3 8 8 4 12 12.5 हो गया, इनको सबको भी जोड़ना पड़ेगा, 12 8 20 1 21 हो गया, 9 30 30 और 9 39 हो गया, और गुड़े में हो गया हमारे पास 100% बनाने के लिए, 3 3 का 9 ये 13 हो गया, तो 13 2 26 हो गया, बचा कितना 4, 13 3 39 एक बचा, भाग जाएगा ना, यानी कि 23 के समथिंग आंसर। अगला सवाल कह रहा था जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया, यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल हो तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितना दिन लगेगा। देखो 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि 1/4, अगर ये 4 है तो टीम कितना होगा 5, ये क्या है ये एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 4 5, तो भैया जॉय ने कितना लिया 15, 3 गुना हो रहा तो इसका भी 3 गुना कर दो, 12 आंसर। अगला सवाल कह रहा था कि किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम मतलब मिनिमम की बात कर रहा है, तो भैया सबसे कम डिग्री कौन बना रहा है, ये बना रहा, तो देखो 360 = 720 ये भी लिखने वाला सवाल नहीं है, 12 कहीं लिखा है आंसर, बहुत आसान था ये तो। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो गोले के आयतन में पिछले आयतन कितना गुना होगा। देखो गोले के अगर रेशियो की बात करें, पहले कुछ रहा होगा तो r^3 r^2 रहा होगा, ठीक है, बदलने के बाद, लेकिन एक चीज बताओ 4/3 की कोई जरूरत है, नहीं है, त्रिज्या दोगुनी होगी ना, तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, कै गुना हो गया 8 गुना, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लिखना है। उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इतने मतों से बहुमत निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या, टोटल 100 थी, एक को 78 मिले तो भैया दूसरे को कितने मिले होंगे, 22 मिले होंगे, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 7 से 2 गया 5, 56 का मान दिया गया था 448, क्योंकि वो क्या हुआ इतने ही वोटों से मेजोरिटी से वो जीत गया, यानी कि इलेक्ट हो गया है, अब हमें निकालना क्या है कुल मत, यानी कि 56 का मान, तो 6 में किसका गुणा करें कि 8 मिल जाए, तो 6 5 30 6 48 3 51 नहीं होगा, 6 5 30 6 7 42 और 3 45 नहीं होगा, 6 48 हटा दो आंसर, क्योंकि ऊपर 8 का मल्टीपल भी तो मिल रहा है और 0 तो कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र 2, 3 है, रेखा इतने इतने को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, ये नया सवाल नहीं, इससे पहले भी पूछा जा चुका है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किसमें पूछा गया, लेकिन पूछा जा चुका है। देखो ये जब इक्वेशन दी जाती है, ये दो बिंदु होंगे और रेडियस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला, यानी कि अगर हम h, k का मान लिखें, ये हमें दिया गया था 2, 3, और अगर हम लिखें तो a = 4 हो गया, b = 3 हो गया, c = -7 हो गया। अब इसमें मॉड लगा हुआ है, ठीक है, फार्मूले में ये देख लेना, मॉड का मतलब होता है कि कुछ भी आंसर आए, माइनस में आए प्लस में आए वो प्लस में ही रहेगा, तो a का मतलब 4 हो गया, h का मतलब 2 हो गया, प्लस में b का मतलब 3 हो गया, k का मतलब 3 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा, ये मॉड लगा दो, और बटे में हो जाएगा x का कोफिशियंट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 16, और 3 का कॉफिशियंट 3 3 का 9 हो गया, यानी कि नीचे तो 5 बन जाएगा, इधर 4 2 8 3 3 का 9 9 8 17 से 7 गया 10 हो गया, इधर 5 हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 2। ये आप लिख लेना कहीं अच्छे से नोट करके, ठीक है, क्योंकि आगे भी चांसेस के खूब हैं, पूछा जा सकता है। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और इतने मतों से चुनाव हार गया, यदि इतने मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला तो मतदाताओं में मत ना डालने वाले लोगों की लगभग संख्या कितनी थी। अब देखो सवाल में समझने की कोशिश करो, कह रहा है कि यहाँ पर कुछ टोटल वोट रहे होंगे, ठीक है, इसमें से 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, 30 ने नहीं डाला, यानी कि डाला कितने होगा 70% लोगों ने, इसमें से 36,5500 अवैध हो गए। अब ये टोटल 100% वोट बन गए, कितने बन गए 100%, यानी कि इसमें से अगर एक को 42 मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 58 मिले होंगे। हमारे हिसाब से हारा जीती कितनी हुई भाई, इनको 100% माना हमने तब ये कर रहे हैं, तो ये 16%, यानी कि इसमें से 16% वोटों से हारा जीती हुई है, इसी का मान दिया गया था 2545800, यानी कि यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, अब एक सेकेंड रुको, इसको पूरे को हटा देते हैं, ठीक है, और इस पूरे टर्म को हम अभी थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं समझाने के पर्पज से, इसको मान लिया हमने कैपिटल ए मान लो, तो ये तो चला जाएगा 100 ऊपर,
यानी कि 2,5,4,5,8,00,00 हो गया 16। अब 16 से भाग करते हैं तो 16 एकम 16 हो गया, बचा कितना है 9 बचा है, तो 16 16 चौकू 64, 16 पंजे 80 हो जाएगा क्योंकि 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 144, 16 ने में 144 1 बचा, 16 एकम 16 किया तो कितना बच गया 2 बच गया, फिर 16 एकम 16 4 बच गया, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 80 यानी कि 1 0 यहाँ पर बच गया। अब देखो ये जो पूरी कैलकुलेशन कर ली है इसमें हमें ये जोड़ना पड़ेगा, यानी कि देखो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो 16 बराबर लिखते 100% बराबर निकालते, उसमें हम डायरेक्ट 36,00,00,00 हम डायरेक्ट जोड़ देते, तब वहां से 70% का मान आ जाता, हम 30% का मान निकाल लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब समझाने के लिए करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 36 था ना इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 159,00,00,00 1,250 और इधर हो जाएगा 00,00,00,005 और 63 हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं 0,5,5,2,7,5,1,6,6,1,7,9,3,12 और 15 और 1 16 हो गया, यानी कि ये 70% का मान आ गया हमारे पास, 16 27 67 और 50। हमें 30% का मान निकालना है क्योंकि कह रहा था मतदाताओं में से मत ना डालने वाले, देखो 70% ने तो डाला था, 30% ने नहीं डाला, तो यहाँ पर ये 0 से 0 काट दो और फिर इधर कर लो। देखो या तो आप ऐसा करो कि डायरेक्ट 3 का गुणा कर लो, उससे हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगा। अभी देखो समझाते कैसे, 0 आ गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 पंजे 15, 3 7 21 1 22 हो गया, 3 6 18 2 20 हो गया और 3 7 21 और 2 23 हो गया, हाँ से लगा 2 हो गया, 3 2 6 2 8 हो गया, 16 3 48 हो गया। अब इधर 7 से भाग करो, देखो 7 6 42 हो गया, बचा कितना हमारे पास 49 ज्यादा हो जाता 6 बचा, 7 9 63 हो गया, 7 ने 63 किया। अब देखो 69 पर पहुंच गए, अब एक चीज बताओ 69 पे पहुंच गए तो एक ही जगह तो हम जा सकते हैं अप्रोक्सीमेट में, ऐसा तो नहीं और कहीं चले जाओगे, समझ गए ना बात खत्म हो गई। अब नहीं तो क्या होता, 7 का भाग भी करना पड़ता, फिर 3 का पूरा गुणा भी करना पड़ता, वो कैलकुलेटिव हो जाता। चलो पूरा कर लेते, 7 6 42, 7 ने 63 हो गया, 5 बचा और 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा 49 हो गया, 4 बचा, फिर 7 5 35 5 बच गया, तो फिर 49 हो गया, फिर 3 बचा, 7 5 35 0 हो गया, देख लो ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमने निकाल लिया था इसलिए 3 का पहले गुणा कर दिया और ये कैलकुलेटिव सवाल था। अगला सवाल कह रहा था दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स और जेड द्वारा कुल उत्पादन के बीच लगभग कितना अंतर है। अब देखो इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक ब्लू वाले एक साथ जोड़ लो, येलो वाले एक साथ जोड़ लो, फिर उनका डिफरेंस कर लो, यूनिट डिजिट से काम चलेगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में मैच कर रही हैं तो उस पर तो जाने की जरूरत नहीं, या फिर देखो डायरेक्ट डिफरेंस पहले ही कर लो, हम यहाँ पर येलो वाले से ब्लू वाला घटा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना ठीक है। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 13 आ गया, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 82 आ गया, इनका डिफरेंस करेंगे तो 3 हो गया और 4 बच गया 43 हो गया, इनका डिफरेंस 50 हो गया, इनका डिफरेंस 12 से 9 हो गया तो 3 हो गया और इधर बच गया 13। अब यहाँ पर देखो ये ब्लू वाली लाइन ऊपर आ गई, येलो वाली लाइन नीचे है, तो लेकिन नीचे का नंबर 161 माइनस का 170 करेंगे यानी कि माइनस का 9 आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात थी, बस आप कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 2 5 3 8 8 3 11 हासिल लगा 1 हो गया, 2 8 2 10 10 4 14 14 5 19 19 1 20 हो गया, इससे 9 घटा देंगे तो 192 हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है। अगला सवाल ऋत्विक का मासिक व्यय इतने से घटकर इतना हो गया, उसके व्यय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व की इतने पेपर देखने के बाद कि पेपर टफ है, लेकिन रीजन उसके पीछे ये है कि कैलकुलेटिव है, चीजें आपको सब पता है कि कैसे होनी है लेकिन भई है कि कैलकुलेटिव है सवाल। तो सबसे पहले डिफरेंस कर लो, कुछ भी काटने की जरूरत नहीं, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, इधर बचा 7 से 7 गया 0 1 हो गया, बटे में 12 8 हो गया। भाई देखो अब 100 लिखने की जरूरत नहीं, 100 से 100 तो कट ही जाना है, तो इधर करेंगे 4 3 12 यहाँ पर 8 लिख लो, 4 2 8 हो गया, 28 2 4 3 12 4 2 8 हो गया, इधर 4 2 8 2 बचा, 4 7 28 4 2 8 हो गया, इधर फिर से कट जाएगा 8 से 8 6 32 हो गया, 8 3 24 8 6 32 हो गया, इधर करेंगे तो 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32 4 5 20 आंसर। अगला सवाल एक खुदरा फल विक्रेता 400 में एक स्कोर सेब खरीदता है, एक दर्जन सेब इतने में बेचता है, उसका हानि और परसेंटेज बताना। देखो एक स्कोर 20, अब जैसे ही आपने इतना किया रफ में आपको कितना लिखना है ये सोचो, यहाँ पर 20 खरीद रहा था, यहाँ पर 12 आपके दिमाग में, तो जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, यहाँ पर हम 60 खरीदवा दे रहे तो 20 3 60 हुआ, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 1200 हो गया, इसमें 12 5 60 हुआ तो इसमें 5 का गुणा करके लिख लो, 5 चौकू 20 हो गया, 5 6 30 हो, 2 32 हो गया, 5 2 10 3 13 हो गया,
फायदा कितने के लिए लिया, 120 का, किसमें लिया, 120 का, गुड़े में 100, भाई यही तो हमारा था, बस खत्म हो गया। नहीं तो फिर यहाँ पर 120 बटे में 1200 कर लो, तब एग्जैक्ट लिख लो भाई, अगर इतना ही मन है तो, समझ गए ना। देखो 400 में उसने 20 खरीदे और 264 में 12 बेच दिए, हमने उससे 60 बिचवाए और 60 ही बोला खरीद के लाना, तभी तो 60 बेचेगा, तो ये कैलकुलेशन हमने बना ली। 3 का गुणा हमने इसमें भी कर लिया, 5 का इसमें भी कर लिया। अगला सवाल करता, जब एक संख्या को इतने से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना, उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, डायरेक्ट करना है आपको, जब भी यहाँ पर जो शेष बचता है और दोबारा भाग करने को बोले, यहाँ ये नंबर बड़ा आ जाए, भाग कर दो 32 दूनी 64, 3 रिमाइंडर बचेगा। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार ने इसे 10 और 20 की दो क्रमागत छूटों पर खरीदा, उसने परिवहन पर इतने खर्च किए और वस्तु को इतने में बेच दिया, उसका लाभ और हानि क्या है। भाई 600 की चीज 10% की हानि पे खरीदी गई, यानी कि 9/10, 20% 20 पंजे 100, 4/5, 68 उसने इस पर खर्च कर दिया, 600 में उसने बेच दिया, हमें निकालना कितना घाटा और नुकसान, सब कुछ देखना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले गुणाई कर लो, ठीक है, 6 चौक 24, 24 ने मैं 216, यानी कि 216 बटे में 5 हो गया, 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 2 10 प्लस का 68, 8 2 10, 6 3 9 1 10 हो गया, 5 हो गया, 500 की चीज 600 में बेच दी, यानी कि फायदा 1 रुपये हुआ किस पर, 5 पर, घोड़े में 100, आंसर आ गया 20%। अगला सवाल, 2016 से 20 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों में उत्पादन लगातार वृद्धि हुई है, तो भैया चारों में देखना है, इसमें कमी हो गई हटा दो, इसमें कमी हो गई हटा दो, इसमें वृद्धि 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 वृद्धि, आंसर लगा दो सी। अगला सवाल, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्या इतनी है, आयतनों का अनुपात, अनुपात लगाओगे शंकु का तो 1/3 पाई तो दोनों में लिखना पड़ेगा, वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें बचेगा क्या, आर स्क्वायर एच वन, ऐसे लिख लो, आर टू स्क्वायर एच टू, बस खत्म हो गया सवाल। तो इधर 36 हो गया और गुणे में 5 हो गया, इधर हो गया 5/25 गुणे में 3 हो गया, तो 5/25 हो गया, ऊपर 12 हो गया, तो 12 अनुपात में 5 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, केंद्र ओ वाले वृत्त में एबीसी एक छेदक रेखा है, तो सबसे पहले तो वृत्त ही बना लेते हैं, एक छेदक रेखा है तो ये छेदक रेखा हो गई ए बी सी, कह रहा था जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए और ये बी हो गया, ये सी हो गया, कह रहा है और डी सी वृत्त के बिंदु डी पर स्पर्श करती है, और डी सी तो भैया वृत्त डी पर, ये इस तरीके से पहली बार इतना बढ़िया चित्र बन रहा है, मतलब मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से तो पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, बी सी 6 है तो ए बी का मान, देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको एक्स मान लेते हैं, यानी कि पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी ना, तो इनका जो भी फार्मूला होता है वो होता है डी सी स्क्वायर बराबर में सी बी इंटू में सी ए हो जाएगा, तो डी सी स्क्वायर बराबर में, ये पता नहीं पेन को क्या हुआ, ये अलग ही अपनी राइटिंग बना रहा है सी बी हो गया 6 और ये हो गया 6 प्लस का ए, डी सी का मान हमने क्यों नहीं रखा, मैं समझ ही नहीं आ रहा, 6 प्लस का ए, ये मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूँ, ये खुद से कर रहा है बदतमीजी, बराबर और माइनस का 6 कर दो, बराबर में ए आ जाएगा, तो 24 से 6 गया 18 आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, किसकी चाहिए थे हमें, ए बी का मान, तो 18 6 24 हो जाता, 24 हो जाता, 24 6 144, 12 12 में 144, तो ये भी होता, टाइम बचाना जैसे भी बचा पाओ। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 2400 की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा, आसान है, वर्तमान मूल्य यानी कि कितना इन्वेस्ट किया उसने, तो सबसे पहले अगर प्रिंसिपल 100 होता, प्रिंसिपल हमारे पास 100 होता और रेट हमारे पास 5% और टाइम हमारे पास होता 4 वर्ष, तो ऐसा ही कितना आ जाता, 20 रुपया, तो अमाउंट कितना बनता जाके, 100 में 20 जोड़ देंगे 120, इसी का मान दिया गया था 2400, तो हमें मान निकालना था 100 का, तो 12 दूनी 24 हो गया 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दो, 2000 आंसर। चलिए फिर 3 की shift 1, ये टोटल 25 क्वेश्चन थे, बताइएगा सॉल्यूशन कैसा लगा, और वीडियो अगर कंप्लीट किया तो डन तो जरूर से लिखना है, मेहनत करते रहो, पेपर आपका बहुत पास में है सीजीएल का, तो ये चीज ध्यान रखना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, अगर आसानी से पढ़े रहोगे ना, तो बहुत लोग पढ़े हुए हैं तो वैसे ही फिर पढ़े ही रह जाओगे, ठीक है, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, नॉर्मल मेहनत करोगे तो सभी कर रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।